हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। आज बनाएंगे भरवा बैगन फ्राई। बहुत कम तेल में हम इसे तवे पे फ्राई करेंगे। खाने में ये बैगन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे साइड डिश के रूप में लंच या डिनर में खा सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, तो चलिए इस भरवा बैगन की रेसिपी हम शुरू करते हैं बनाना। इस भरवा बैगन की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस तरीके का बैगन का यूज की हूँ, जो थोड़े साइज में छोटे और पतले हैं। इसी तरीके का बैगन से अगर आप यह तवा फ्राई बैगन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पर मोटे बैगन का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। पीछे वाले यह जो ग्रीन पोर्शन होता है बैगन का, उसे काट के हटा दे। इसमें थोड़ा काटा होता है और बैगन में हम दो चीरा लगाएंगे और इस तरीके से देख लेते हैं कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। और सभी बैगन को हमें बस इसी तरीके से काट कर पानी में डालते जाना है, क्योंकि बैगन जो है वो काटने के बाद तुरंत काला पड़ जाता है। तो आप बैगन को चेक कर ले कि कहीं इसमें तो कोई कीड़ा नहीं है, और बैगन में दो कट लगा के इस तरीके से बैगन को हम पानी में डालकर छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए बैगन हमारा कट गया है पूरा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए एक पैन को आप गैस पे रख दें और उसमें सिर्फ एक चम्मच हम तेल डालते हैं। सरसों का तेल में मैं इसे बना रही हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो उसे यूज़ कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम करके हम इसे 1 से 2 बार मिक्स कर लेते हैं। बेसन को जलाना नहीं है, बस इसका कच्चापन चला जाए उतनी देर, यानी कि मात्र 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हम इसे भूनते हैं बिल्कुल लो फ्लेम करके। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हल्दी आप डाल लें, यहाँ पे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं और 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। ये मसाला में धनिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। और 1/2 चम्मच डालते हैं अमचूर पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डाल लें, बैगन थोड़ा गलेगा इसलिए नमक सावधानी से डालें। और अब हम इसमें 3 से 4 पिंच हींग डालते हैं। बहुत कम मसाले के साथ मैं यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये भरवा मसाला बैगन बना रही हूँ। तो 2 से 3 बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला जले नहीं, बस इसका थोड़ा कच्चापन चला जाए, इतना ही हमें इसे भूनकर तैयार करना है। बिल्कुल नया तरीका है भरवा मसाला बैगन बनाने का ये। तो एक बार आप इस तरीके से इस भरवा मसाला बैगन को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा टेस्टी स्वाद आता है इसका। तो ये अच्छा खुशबू आ रहा है मसाले से। बंद कर देते हैं गैस को और हम इसे पैन में नहीं रहने देंगे, एक बर्तन में निकाल लेते हैं, नहीं तो ये और ज़्यादा जो है वो जल सकता है। इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा हाथ से रगड़कर कसूरी मेथी डालते हैं और 2 से 4 चम्मच यहाँ पर डालेंगे दही। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप कसूरी मेथी या दही नहीं डालना चाहते हो तो सिर्फ हल्का सा पानी का छींटा लगाकर इसे मिक्स कर लें। तो सिर्फ दही से देखिए ये अच्छे से तैयार हो गया है हमारा मसाला। तो बहुत टेस्टी ये मसाला बन गया है। मसाला चूंकि हम पहले ही फ्राई कर लिए है तो ये अच्छे से पका हुआ मसाला है। तो इस मसाले को हम अब बैगन के बीच में भरेंगे। थोड़ा सा आप मसाला लीजिए और इसके जो 4 हिस्से हुए हैं उसमें अच्छे से रगड़ते हुए थोड़ा सा मसाला हम बीच में रखकर इसे अच्छे से भरकर स्टफ्ड कर लेंगे। जिस तरीके से देखिए मैं कर रही हूँ, भर ले थोड़ा सा मसाला और उसके बाद हम इसे हाथ से बढ़िया से दबा देते हैं, मुट्ठी से दबा देंगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर सभी बैगन में इस मसाले को भरकर तैयार कर लेना है। बहुत जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मसाला हम पहले से फ्राई करके इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल नया है। आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारा बैगन मेरा भरकर तैयार हो गया, थोड़ा सा मसाला बच गया है, हम इसे फ्राई करते समय उसमें ऐड कर देंगे। और अब चलिए उसी पैन को मैं फिर से गर्म कर ले रही हूँ और इसमें अब 2 चम्मच तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल में आप इसे नहीं फ्राई करें, 2 चम्मच तेल में ही ये बढ़िया अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इस पैन में जो है वो बैगन को ऐड करते हैं। इस बैगन को फ्राई करने के लिए आप पैन या फिर तवे का ही यूज करें, जिससे बैगन जो है वो टूटेगा नहीं और बहुत अच्छा ये फ्राई होगा। ढककर हम रखते हैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए हम इसे पलट लेंगे नीचे की तरफ, ये अच्छे से पक गया है। तो सभी बैगन को पलट लेते हैं एक बार।
और चलिए अब हम इसे एक बार फिर से ढक देते हैं। तो बैगन से भी थोड़ा पानी रिलीज होता है, उसी से ये बैगन जो है वो अच्छे से पक जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन लगाकर आप इसे बढ़िया से जो है वो पका लें। जब ये थोड़ा बैगन अच्छे से गल जाए तब हम क्या करेंगे, इस बैगन को हल्के जो स्पैचुला से हम प्रेस करेंगे, इसे हमें चपटा बनाना है। तो सभी बैगन को देखिए मैं यहाँ पर दबा रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा एक शेप भी ले लेता है और बढ़िया अंदर तक जो है वो पक कर तैयार भी होता है। सारा प्रोसेस कुकिंग का हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे, मसाला जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। 5 से 7 मिनट का ही टाइम सिर्फ लगेगा आपको इसको फ्राई करने में, तो बहुत जल्दी ये हमारा जो है वो तवा फ्राई बैगन बनकर तैयार हो जाता है। जिस तरीके से हम शादी विवाह में खाते हैं उसी तरीके का टेस्ट इस बैगन में आता है। यहाँ पर देखिए एक भी बैगन जो है वो टूटे नहीं है और ना ही ओवर कुक हुए हैं, सभी बैगन एकदम जो है वो परफेक्ट पक कर तैयार हुए हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हम धनिया पत्ता डाल लेते हैं और गैस को बंद करेंगे, सर्व करने के लिए तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।